बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है पावर प्लांट्स में, और पावर प्लांट्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट। अब इन पावर प्लांट्स को हम शहरों से काफ़ी दूर लगाते हैं और या पॉपुलेटेड एरिया से हम काफ़ी दूर लगाते हैं। पॉपुलेटेड एरिया से काफ़ी दूर लगाने का मकसद ये होता है कि इनमें से जो पोल्यूशन भी प्रोड्यूस होती है, और अगर बिलफर्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है तो इसमें से हार्मफुल रेडिएशंस भी इमिट होती हैं जो कि ख़तरा होती हैं आबादी के लिए। तो इनको शहरों से दूर लगाया जाता है। और अब सवाल ये है कि इनको हम किस तरह अपने घरों में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन केबल्स जो कि पावर प्लांट से घरों तक पहुँचाती हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को जब हमने घरों तक पहुंचाना है तो हमने ये बात यकीनी बनानी है कि इसमें कम से कम जो है वो हीट लॉस हो। और हम ये कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं वोल्टेज को हाई करके ताकि करंट रिड्यूस हो। आपने पहले भी पढ़ा था कि करंट जो है वो हीटिंग अफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब हीटिंग अफेक्ट प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि जो पावर लॉस हो जाएगा, जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमने अपने घरों तक ये जो ट्रांसमिशन पहुंचानी है इलेक्ट्रिसिटी की विदाउट एनी लॉस पहुंचानी है, कम से कम जो है वो लॉस होना चाहिए हीट का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का टॉपिक आपने पढ़ा था, उसमें आपने ट्रांसफार्मर की टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को इनक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है, जबकि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो अब होगा क्या कि जहाँ पे हमें वोल्टेज हाई रिक्वायर्ड है, अब वोल्टेज हमें हाई क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि करंट डिक्रीज़ हो, और जब करंट डिक्रीज़ होगा तो हीटिंग अफेक्ट जो है वो कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपने हीटिंग अफेक्ट का फॉर्मूला भी पढ़ा था, हीटिंग अफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। तो जब करंट को आप डिक्रीज़ करेंगे तो हीटिंग अफेक्ट भी डिक्रीज़ होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट। अब हाई वोल्टेज करने के लिए आप वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, और तब वहाँ पर वोल्टेज हाई हो जाएगा और पावर जो है वो डिलीवर्ड होगी। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे जो है वो वोल्टेज अप कर देता है, स्टेप अप कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। हम समझते हैं हेयर ड्रायर की मदद से। अब आप देखें, हेयर ड्रायर को हमने थिन वायर से कनेक्ट किया है जहाँ पे वोल्टेज कम है, जबकि जो हेयर ड्रायर है उसकी अपनी वोल्टेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है। तो यहाँ पर करंट हीटिंग अफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये जो वायर्स हैं ये बर्न होना शुरू कर देंगी और हेयर ड्रायर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं क्लास? इसके लिए हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं। अब ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि जहाँ पर हमें हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जो वोल्टेज है उसको वो हाई कर देगा। अब जब ये वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा तो जो हेयर ड्रायर है वो भी प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देगा। यहाँ से आपको ये बात समझ आती है कि जहाँ पर हमें वोल्टेज हाई चाहिए या वोल्टेज कम चाहिए, तो वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते वक्त वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन को एक दफ़ा अच्छे से गो थ्रू कर लें। पावर स्टेशन में हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया स्टेप अप ताकि वोल्टेज इंक्रीज़ हो और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली डिलीवर्ड हो जाए विदाउट एनी पावर लॉस। इन शॉर्ट, हमने हीटिंग अफेक्ट को रिड्यूस किया वोल्टेज को इनक्रीज़ करके स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हुए। अब ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो जाएगी मेन सबस्टेशन में, और अब मेन स्टेशन से आगे